हैबिटेट सेंटर के इस प्रांगण में कॉमन सर्विस सेंटर के इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए हमारे माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, मंत्रालय में हमारे साथी अजय साहनी जी, दिनेश त्यागी जी, आयुष्मान भारत के सीईओ इंदुभूषण जी, एचडीएफसी के अधिकारी स्मिता भगत जी और इस प्रांगण में उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और संग्रामी अधिकारीगण जो इस संग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले आज का वक्तव्य अपना संबोधन आरंभ करने के पहले मैं चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के प्रति एक मिनट का मौन धारण करके हम उनकी आत्मा की शांति के लिए मात्र 23 दिन हुए हैं 42 शहीद। जब हम कोई भी काम शुरू करने के पहले अपनी भारत माता के प्रति समर्पित होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं, एक शपथ लेते हैं और शपथ लेते वक्त हम कहते हैं, हम तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करेंगे। उस वक्त हमें अंदाजा नहीं होता कि तन किसको कहते हैं। मन और धन तो लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो अपने एक महीने की तनख्वाह दे देंगे और मन लगा के काम करेंगे, और तन के बारे में हम सोचते हैं कि हम तैनात रहेंगे हर वक्त, पर उस वक्त महसूस होता है जिस वक्त ये 42 देश के जांबाज सिपाही, इनके तन का एक एक टुकड़ा नहीं मिलता। भारत माता के श्री चरणों में किस तरह से अर्पित कर सकता है एक सिपाही, ये इनकी शहादत से आदमी को शिक्षा लेने की जरूरत है। किसी भी शहीद परिवार को अपने परिवार के सदस्य का, कर्ता का, अपने पिता का, अपने पति का, अपने बेटे का पूरा शरीर ना मिल सका, इसको कहते हैं तन की सेवा। एक लंबा कारण है, मैं कभी और आपसे विचार साझे करूंगा तो बताऊंगा। आज कॉमन सर्विस सेंटर के इस आयोजन में मुझे याद आती है, कुछ वर्ष पहला दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आया करता था, ऑफिस, देखा होगा आपने। उसमें क्या दिखाते थे? उसमें दिखाते थे सरकारी तंत्र में, ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है उसको हर सीरियल में और हर एक एपिसोड में उसका उल्लेख किया जाता था, और किस तरह से उल्लेख किया जाता था। शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो फिल्म या वो एपिसोड बार बार देखे होंगे, और उन्होंने उसी वक्त सोचा होगा कि मुझे इस तंत्र से अलग हटकर जनता की सेवा करने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढ निकाला, और ढूंढा भी ऐसा कि वैसे तो कॉमन सर्विस सेंटर बहुत पुराने चल रहे हैं, किंतु उनकी संख्या क्या थी और आज संख्या क्या है। उस टाइम भी बीएलई हुआ करते थे, उनमें जोश कितना था और अब वाले में कितना जोश है।
भागीदारी कितनी थी, गांव-गांव तक कहां तक पहुंचे थे, कितना रीच था, उसका भी एक उल्लेख है कि एक बार एक नेताजी एक गांव में पहुंचे, नई जीप गाड़ी लिए थे, चुनाव का माहौल था, जाकर पूछा गांव वालों को, इकट्ठा किया और पूछा कि भाई बताओ क्या समस्या रह गई तुम लोगों की। तो उन्होंने कहा साहब समस्या तो दो ही हैं, अगर कहें तो बता देते हैं। बोले बताओ क्या समस्या है। बोले साहब ब्लड प्रेशर भी होता है तो डॉक्टर नहीं गांव में, खून की जांच करानी होती है, आजकल शुगर की बीमारी बहुत हो रही है, उसकी भी जांच करानी होती है तो डॉक्टर नहीं है गांव में। इसका कोई जुगाड़ हो जाता तो गांव का भला हो जाता। तो कहने लगे कि अरे भाई ये क्या समस्या है, अभी एक मिनट में खत्म कर देता हूं। उन्होंने जेब से चमचमाता हुआ एक मोबाइल निकाला और कान में लगाकर बोलने लगे किसी को, और फिर आस्ते आस्ते, पहले तो गुजारिश थी और उसके बाद ऊंची आवाज आ गई, देखो मैं कुछ नहीं जानता, कल से इस गांव में डॉक्टर की मुस्तैदी होनी चाहिए और सारे जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, सुबह से शाम तक जिस तरह दफ्तर चलता है। टेलीफोन रख दिए, कहे समस्या का समाधान हो गया, अब दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वाला कहने लगा साहब दूसरी समस्या तो एक बहुत बड़ी समस्या है, कहें तो बता देते हैं। बोले बताओ। बोले साहब गांव में नेटवर्क नहीं है। तो अब समझने की बात है, नेटवर्क नहीं है तो चमचमाता मोबाइल किससे बात कर रहा था। तो ये बात भी कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देख ली थी, और यही कारण है कि 2014 अगस्त से लाल किले की प्राचीर से बोलते आ रहे हैं। डिजिटल में अभी भी आप देखेंगे तो पुराने आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर एक आदमी प्रमाण करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जिंदा हूं, बार बार अधिकारी के पास चक्कर लगा रहा। बोला ठीक है भैया तुम जिंदा हो, मेरे पास प्रमाण नहीं है, अर्थात कुछ हाथ गीला करो तब तो प्रमाण ने। अब ये बात भी दिमाग में थी मोदी जी के, उन्होंने क्या किया, जीवन प्रमाण पत्र आपको बड़ी आसानी तरीके से आधार के माध्यम से सीएससी सेंटर के माध्यम से देना शुरू कर दिया। हर एक पेंशनर को जरूरत पड़ती है जीवन प्रमाण पत्र की, हर साल जरूरत पड़ती है, हर साल बताना पड़ता है कि भैया मैं जिंदा हूं। काहे कि एक बार इटली में ग्रेवयार्ड इतने बढ़ गए शहरों में, जहां पर ग्रेवयार्ड की प्रथा है, जहां संस्कार इस तरह से होते हैं, तो वहां पर, यह सच्ची घटना है, कि वहां पर ग्रेवयार्ड का सेंसस हुआ, पूरा सर्वे कराया गया, जो पट्टिका लगी हुई थी उस पर नाम वाम लेकर लोड करके देखा गया, उसमें देखा पाया गया कि 70% लोग जिनको की पेंशन अभी तक जा रही थी वो कब के मर चुके हैं। तो यही कारण है कि आधार के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट जो पहुंच रहे थे या दूसरी सुविधाएं मिल रही थी उनको रोक कर प्रमाण कर दिया कि 90,000 करोड़ का सेविंग हो गया, 90,000 करोड़, करीब 1,00,000 करोड़। कि ये अनाज, ये तेल, ये गैस, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसी भूत को जा रहा था, वर्तमान को नहीं जा रहा था। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप, हमारी जीवनचर्या में जो चीजें चाहिए, मैं जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आता हूं उसका नाम है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में एक क्षेत्र है जिसको आप लोग सब लोग जानते हैं पर कभी सुने नहीं होंगे कि वो क्षेत्र भी दार्जिलिंग में है क्या, उसका नाम है नक्सलबाड़ी, जहां से नक्सलाइट पैदा हुए। मैंने अभी 1 तारीख को
उस गांव में जिस गांव के चारू मजुमदार, कॉमरेड चारू मजुमदार, कॉमरेड कानू सान्याल और कॉमरेड जंगल संथाल जो जन्मदाता हैं नक्सलिज्म के, उनका गांव, उस गांव में हाथी गीसा ग्राम पंचायत में मैंने बंगाल का पहला डीजी गांव इनॉग्रेट किया। और वो सीएससी सेंटर में, जब मैंने वहां बताया कि आपका ब्लड प्रेशर भी चेक होगा, आपका ब्लड टेस्ट भी होगा और आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं आएंगी और टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर आपसे समस्या पूछेगा और कहेगा ये टेस्ट कराकर मेरे को तुरंत भेज दीजिए, वो सीएससी वाला ही भेज देगा उसको और वो उधर से मेडिसिन लिख के भेज देगा। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए जो चीजें चाहिए होंगी, मैं मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि हमारे यहां हमारी सोसाइटीज ने एक ब्लाउज डिटेक्ट किया है, ब्लाउज बनाया है। ये ब्लाउज जो हमारे यहां महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको डिटेक्शन के लिए हम लोगों को मेमोग्राफी करानी पड़ती है जो कि बहुत महंगी है। एक ब्लाउज है उसकी कीमत 3,500 रुपये और वो ब्लाउज औरत पहनती है, साथ में उसके एक मशीन लगी है, उसके कुछ देर में ही वो टेस्ट करके बता देता है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर के आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय जी से कि हमारी ही संस्था है जो बना रही है, उस संस्था को जहाँ ब्लड प्रेशर सीएससी कर रहा है वहाँ पर कैंसर किसी ऑन्कोलॉजिस्ट किसी कैंसर इंस्टीट्यूट से जोड़कर भी हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से ये अर्ली डिटेक्शन के लिए, क्योंकि हमारे इलाके में चाय बागान बहुत हैं और चाय बागान में चाय पत्तियों पर बहुत छिड़काव होता है पेस्टिसाइड का और प्लकर्स जो होती हैं जो पत्तियाँ तोड़ती हैं वो महिलाएँ होती हैं, तो वहाँ पर बहुत महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो उस ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन अगर हमारे सीएससी सेंटर में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये कोई साधारण सा कोई टेक्नीशियन थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर ही वो काम कर सकता है। दूसरी अभी सबसे बड़ी समस्या एक और है जिसका ध्यान मैंने प्रधानमंत्री जी का भी आकर्षित किया है, मंत्री जी का भी आकर्षित किया है, किंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि उसको भी लागू कर दें। ये जो हमारे प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिस टाइम आज से 30 साल पहले किसी चाय बगान के मजदूर ने चाहे और किसी मजदूर ने जब नौकरी ली थी उस वक्त उसकी शिक्षा के अनुसार उसने जो नाम लिखा था वहां पर और वो नाम उस चाय बगान से या उस फैक्ट्री से या उस कारोबार से जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को जो नाम गया था और समय पलटते पलटते देखा गया कि उसका नाम वोटर लिस्ट में कुछ और चढ़ गया और फिर आधार कार्ड आ गया और जब आधार कार्ड आया तो उसमें कोई नाम और चढ़ गया, उसके पास जो प्रमाण पत्र थे उसमें उसके आधार पर उसका आधार बन गया। अब जब वो रिटायर करता है तब जब जाता है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के ऑफिस में अपने पैसे मांग करने के लिए तो उसको नाम मेल नहीं होता है, तो उसको सुधार करने के लिए वहां पर सीएससी के पास में आधार का डाटा भी है और सीएससी के पास में ईपीएफओ का सर्टिफिकेट अगर आ जाए और उसमें अगर संशोधन मांगते हैं उस प्रमाण पत्र को तो उसको संशोधन कर दिया जाए कि आने वाले टाइम में लोगों को ये ईपीएफओ के बेनिफिशियरी को कोई तकलीफ ना आए। मैंने अभी पीछे कैंप लगाया था वहां पर, आधार के अधिकारियों को लेके गया, पहले आधार के अधिकारी थोड़े कानून बताने लगे कि साहब कौन सर्टिफाई करेगा कि वो वही आदमी है, मैंने कहा ईपीएफओ करेगा, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के दिखाया, कहा कि हमारे यहाँ नोटिफिकेशन निकाल कर दिखाने की प्रचलन थोड़ा ज्यादा है, मोदी जी कहते हैं ये नोटिफिकेशन को ज्यादा मत पढ़ो, मैंने सरलीकरण किया है उसको सरल तरीके से पढ़ो, उसमें पेच मत डालो।
अब उसमें सरल कारण लिखा हुआ था कि कोई गजेटेड ऑफिसर कह दे. मैंने कहा ये ईपीएफओ, ये जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, गजेटेड ऑफिसर है? ये आपके पूरे बगान का या पूरे आपके फैक्ट्री का पूरा एक सर्टिफिकेट निकालकर नीचे दस्तखत कर देगा, आप उसको मान लें. तो कहे माना जा सकता है किंतु इंडिविजुअली दस्तखत करने पड़ेंगे. मैंने कहा क्यों? तुम चाहते हो कि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सारे काम छोड़कर वो करोड़ों लोगों के दस्तखत ही करता रहे. मोदी जी कहते हैं दस्तखत को कम करो और ये दस्तखत बढ़ा रहे हैं. तो अंततः उनको जब टेलीफोन कराया गया और फिर उन्होंने माना और इस पर शुरुआत हुई. तो मैं चाहूंगा कि ये सीएससी सेंटर में, चूंकि अब तो थ्री कैटेगरी में आ गए आप, ये भी आना चाहिए. हमारे यहाँ गांव देहात में सब जगह बताया जा रहा है कि स्त्री स्वाभिमान बहुत बड़ा प्रचलन है. हम जाकर गांव-गांव में बताते हैं लोगों को, और उनको जब मैंने यूनिट दिखाया नक्सलबाड़ी में तो आश्चर्यचकित हुए लोग. जब एलईडी बल्ब का बनाते हुए यूनिट दिखाया मैंने वहां के लोगों को, वो आश्चर्यचकित हुए कि जिस गांव से पिछड़ेपन के लिए आंदोलन शुरू हुआ था वो वहीं का वहीं है और वो लोग वहीं हैं. पर उनको आज सुविधा अगर दी जा सके तो उसका कितना लाभ पहुंचता है. किंतु ये डिजिटल गांव खुलने के साथ साथ हमारे ममता दीदी की भी आंख खुल गई. वो कहने लगी ये तो मोदी जी के रिवॉल्यूशनरी स्टेप हमारे गांव में आ रहे हैं, अब इसको बंद कैसे किया जाए. तो उन्होंने कई जगह अधिकारियों को आदेश दिए कि इसको बंद कर दिया जाए. पर जब इसका विरोध होने लगा तो उन्होंने अधिकृत रूप से चिट्ठी लिखकर बंद करने की जगह वहां पर वीएलईस को धमका कर बंद करने का डर भय दिखाने की कोशिश की है. किंतु जनता ने के घोर विरोध के सामने वो काम रुका हुआ है. पर काम हमारा सीएससी का चल रहा है, पर विरोध का काम रुका हुआ है. मेरा कहना है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको पहुंचाएं. आज हम आयुष्मान भारत की इंदुभूषण जी ने बड़े विस्तृत रूप में बताया, पर मेरे को आश्चर्य होता है कि जब 1 फरवरी 2018 को आयुष्मान भारत के बारे में घोषणा की गई बजट में कि 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा और 50 करोड़ हर एक घर में 5 लोग, मतलब 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, 10 करोड़ परिवार. और उसके बाद 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, वहां पर भी घोषणा किया, और फिर 23 सितंबर 2018 को इसको रांची से लॉन्च किया गया. उसके पहले किसी राज्य सरकार, मतलब बीजेपी विरोधी राज्य सरकार की आंखें नहीं खुली थी. वो आकलन लगाते थे किसी का 1 लाख रुपया और किसी का 1.5 लाख रुपया. अब वो कहने लगे कि भैया ये तो 5 लाख देंगे और 50 करोड़ लोगों को पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक 125 करोड़ में से 50 करोड़ लोग अगर ये लाभ ले लेंगे तो हमें तो मुसीबत आ जाएगी. तो अब तरह तरह के बहाने लगाकर कि नहीं सब हम 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे. कल तक उसका आकलन उनके पास 1 लाख था. इन सारी चीजों को सोचते हुए आज एक बड़ा काम है और इस काम का शुभारंभ किया गया है. इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहेंगे कि सीएससी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाए और आगे बढ़ाए, और जिस गति से बढ़ रहे थे उससे गति को और तीव्र करें. आज एक बैंक ने उदाहरण दिया है एचडीएफसी में, किंतु देश में बहुत सारे बैंक हैं, उनसे भी जरा बातचीत हो. हमने टेलीमेडिसिन के लिए सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल के साथ संबंध किया है, किंतु दूसरे हॉस्पिटल को भी उसके साथ जोड़ा जाए और एक टाइम आ जाए जो समस्या हमारे यहाँ पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये दो समस्याएं हमारे यहाँ हैं, और उस समस्याओं का समाधान सीएससी सेंटर पर ही हो सके और वो आदमी सही जगह पहुँच सके, उसका मार्गदर्शन भी सीएससी कर सकेगा.
ये उम्मीद करता हूँ। इन्हीं उम्मीदों के साथ, मेरी शुभकामनाओं के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और आगे इसको किस तरह से एक डायनेमिक रूप दिया जा सके कि अगले 5 वर्षों में ये किस तरह से और सीएससी एक पहचान गांव-गांव की बन जाए, हर पंचायत की बन जाए, हर जनता की बन जाए, लोगों की भागीदारी बढ़ सके।